टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा एपिसोड एकदम स्पेशल है, स्पेशल एपिसोड है चेटिनाड स्पेशल। यहाँ का जो खाना है बहुत स्पाइसी होता है, बहुत मज़ेदार होता है। ऐसा खाना आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर भी। भारत से बाहर जाकर मिर्चों वाला खाना बहुत लोग खाते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं चेटिनाड की कुछ स्पेशल डिशेस और शुरुआत करेंगे कुछ ऐसा खाना बनाना जो वेजिटेरियन लोग खा सकें। और इसके लिए आज हमने खास तमिलनाडु से एक शेफ बुलाया है जो बहुत ही बढ़िया खाना बनाते हैं। वैसे आजकल तो बहुत तरह का खाना बनाते हैं, बहुत सालों से जानता हूँ मैं आपको। मिलाता हूँ शेफ गणेश से, जो इस खाने को किस तरह से और ज़्यादा स्वाद दे सकते हैं मुझे बताएंगे। हाय संजीव। हाय शेफ। शेफ गणेश बहुत सालों से, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे साथ खाना बना रहे हैं। आजकल फूड कंसल्टेंट है। वैसे इनकी स्पेशलिटी इटालियन फूड है। तो ये चेटिनाड बीच में कहाँ से आ गया शेफ? ये तो हम रहते हैं उधर, इसलिए हमारा स्पेशलिटी वो भी है। आपका घर वहाँ पे है? बिल्कुल। तो घर का स्पेशल चेटिनाड खाना आज देखते हैं। शुरुआत करते हैं एक पालक की डिश से। पालक और गार्लिक इसमें है, इसका नाम क्या है शेफ? वैसे तो तमिल में इसको कीराई पुंड मसियल बोलते हैं। अच्छा, सबको समझने के लिए पालक और लहसुन की मसियल। मसियल मतलब? ये पालक को जो बनाते हैं तो इसको थोड़ा घोंट के बनाते हैं, तो उसका मतलब होता है मसियल, मतलब मसल के बनाना मसियल। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया है। तो इसकी तैयारी शुरू कर लेते हैं हम पकाने की। पहले इसमें तेल डालते हैं। ओके, तो यहाँ पर दो तरह के तेल मुझे दिख रहे हैं। ये है जिंजली ऑयल, यानी कि तिल का ऑयल। तिल का तेल साउथ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कुकिंग में, क्योंकि उधर ये ज़्यादा मिलता है और इसका स्वाद अलग होता है। वैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके तिलों में तेल नहीं होता, इसका मतलब होता है कि वो पूरे अब ख़त्म हो चुके होते हैं, उनमें जो हुनर रहता है वो बाकी नहीं बचा होता। लेकिन यहाँ पर शेफ गणेश का हुनर देखते हैं। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे राई, राई और उड़द की दाल। उड़द की दाल, धुली हुई उड़द की दाल इसमें डालें। लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च। और इसको मैं साथ साथ हिलाते जाता हूँ, वो इसलिए ताकि मुझे भी चेटिनाड का टेस्ट पूरा आए। ये आप देख रहे होंगे कि लाल मिर्च कुछ ज़्यादा ही डाल रहा हूँ। शेफ, आप डालते ही जा रहे हैं इसमें लाल मिर्च। कोई तिक्का बनता है इसलिए इसमें लाल मिर्च डालना बहुत ज़रूरी होता है। और ये कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता। अभी इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। अच्छा, लाल मिर्च इतनी डालने के बाद हरी मिर्च। बिल्कुल, चलिए आप हरी डालिए, मैं लाल मैं भी डालता हूँ। ये जो चेटिनाड का खाना है उसमें ऐसे लग रहा है कि ये जो सब्जी है ये पालक और गार्लिक की नहीं, हरी और लाल मिर्च की सब्जी मुझे लग रही है। अभी हम इसमें डालेंगे गार्लिक, गार्लिक जो पूरा है, मतलब इसको काटेंगे नहीं, ऐसे ही डालेंगे हम। और खूब सारा गार्लिक इसके अंदर डलेगा संजीव। अभी हम इसमें पालक डालेंगे जो बारीक कटा हुआ है। पालक डालने के बाद उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। शेफ, ये जो चेटिनाड का खाना है, अगर इतनी मिर्चें कोई नहीं खा सकता हो तो कम डाल के खा सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें ज़्यादा मिर्ची डालना ज़रूरी है। तो इसमें कम मिर्चें चल सकती हैं? बिल्कुल, क्योंकि मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं खा सकते। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। दिखने में बहुत बढ़िया डिश लग रही है ये चेटिनाड के खाने में, इतनी बढ़िया वेजिटेरियन डिश बहुत कम लोगों को मालूम होगी। वैसे अभी तक इसमें मिर्चों के अलावा जितनी सारी चीज़ें डली हैं वो सारी मेरी फेवरेट हैं। पालक मुझे बहुत पसंद है, गार्लिक मुझे बहुत पसंद है। अब ये पकते समय हम इसको अच्छी तरह से मसलेंगे। ओके, जिसके लिए इसका नाम है मसियल। तो इसमें जो गार्लिक है वो भी मसला जाए, कोई घबराने की बात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा मसल देता हूँ। बहुत ही बढ़िया डिश लग रही है ये और बहुत आसान है। अभी हम इसमें इमली डालेंगे जिसका हमने पल्प निकाल के रखा हुआ है। वैसे तो आजकल इमली का पल्प बाजार में मिल भी जाता है। मिल जाता है। देखिए, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जाएं, खट्टा खाने के अंदर ज़रूर डलता है। ग्रेवी में कुछ लोग टमाटर डालते हैं, दही डालते हैं, अमचूर डालते हैं, और साउथ में इमली का काफ़ी इस्तेमाल होता है। और नमक, नमक। जैसे जैसे आप इसको हिलाते रहें, थोड़ा मसलते रहें, ताकि ये जो मसियल है अच्छी मसियल बने। तो ये जो अभी काफ़ी पतला है इसको तो गाढ़ा किया जा सकता है। हाँ, इसको गाढ़ा करने के लिए हम एक चम्मच राइस फ्लावर लेंगे, चावल का आटा।
चाइनीज लोग कॉर्न फ्लावर लेते हैं, हम लोग राइस फ्लावर दे रहे हैं। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, पानी में डिजोल्व करके और ये इसमें डालेंगे। और देखिए चावल का आटा डालते ही, जिसे हमने डिजोल्व किया था पानी के अंदर, ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और जैसे जैसे इसे हम पकाएंगे ये थोड़ा और गाढ़ा होगा। अभी तक इसमें जितनी मिर्चें डली हैं उसमें इतना ज़्यादा फ्लेवर आ रहा है, इतनी मिर्चें जो इंसान खाएगा मुझे समझ नहीं आता कि कैसे खाते हैं। लेकिन मैं बहुत सारे मेरे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जो इतनी मिर्चें खाते हैं कि मुझे बहुत डर लगता है कि इतनी आप लोग कैसे खाते हैं, और उन्हें लगता है कि शायद जो मेरी ज़बान है उसमें कुछ ख़राबी है, मैं नमक कम खाता हूँ, मिर्चें कम खाता हूँ। कहते हैं कि आप मालूम नहीं शेफ़ कैसे बने, आप इतनी सारी चीज़ें नमक कम खाते हैं, मिर्चें कम खाते हैं। नहीं, इसमें जो पालक डाला है ये पालक मिर्ची को कम करता है, तो इसके कारण हमने जो इमली डाला है उससे भी मिर्ची कम होता है, इसलिए देखने में ही इतना मिर्ची है लेकिन खाने में इतना मिर्ची नहीं लगेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर आप मिर्चें कम खाते हैं और आपने मिर्चें कम डाली हैं इसके अंदर तो आप इसमें पालक और इमली ना डालें, ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ हेल्प करेंगे इसमें। अब ये काफ़ी थिक हो गया है गणेश। हाँ, ये मसाला आपका अभी रेडी हो गया है, इसमें खाली हमको हींग डालना है जो इसका टेस्ट और भी बढ़ा देगा। फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, कलर बहुत अच्छा है, काफ़ी रंग बिरंगी डिश है। इसमें इतनी लाल मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, पालक है, लहसुन है, बहुत बढ़िया डिश लग रही है। इसको किस चीज़ के साथ खाया जाता है या नॉर्मल खाने में एक वेजिटेबल ये हो जाती है? हाँ, ये एक और वेजिटेबल है, ये न्यूट्रिशनल है, इतने गार्लिक डला हुआ है और इसमें पालक गया हुआ है, तो ये एक और एडिशनल वेजिटेबल है आपके रेगुलर खाने के साथ। बट इसको नॉर्मली राइस के साथ खाया जाता है, और चेट्टीनाड में मैदा का पराठा बनाते हैं उसके साथ भी खा सकते हैं आप इसको। लेकिन चेट्टीनाड की सबसे मशहूर डिश कौन सी मानी जाती है आपके विचार में, चेट्टीनाड के अंदर या बाहर? चेट्टीनाड के जो ज़्यादातर लोगों को मालूम हो, ज़्यादातर लोगों को जो मालूम है वो है चिकन चेट्टीनाड। चिकन चेट्टीनाड, बिल्कुल। चिकन चेट्टीनाड एक ऐसी डिश है जो आजकल होटल्स रेस्टोरेंट्स में सब जगह मिलती है, बिल्कुल कहीं पे भी आप जाएं, चाहे वो चेट्टीनाड कहाँ पर है उन्हें मालूम है या नहीं, लेकिन चिकन चेट्टीनाड मेन्यू में ज़रूर मिलेगी। खैर आप घबराइए नहीं, आपको एकदम ओरिजिनल रेसिपी मिलेगी। मैं बात करता हूँ शेफ गणेश के साथ और रेसिपीज ढूंढता हूँ बढ़िया बढ़िया। आप नोट करें इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद देखें जल्दी से, यानी रिकैप इसी रेसिपी का। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पालक और लहसुन मसाले के लिए 4 बड़े चम्मच तिल का तेल, आधा छोटा चम्मच राई, 1 बड़ा चम्मच उड़द दाल, 4 सूखी लाल मिर्चें, 10 से 12 करी पत्ते, 4 हरी मिर्चें कटी हुई, 12 से 15 कलियां लहसुन की, 4 मीडियम साइज बंडल पालक के कटे हुए, 1 बड़ा चम्मच इमली का पेस्ट या पल्प, नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा और 1/4 छोटा चम्मच हींग। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई में तिल का तेल लेकर उसमें राई, उड़द दाल, सूखी लाल मिर्चें और करी पत्ता डालकर कुछ देर भून लें। इसके बाद इसमें कटी हरी मिर्चें और लहसुन की कलियां डालकर इसे भी भून लें। इसके साथ इसमें कटा पालक डालकर भून लें और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिला लें। अब इसे अच्छी तरह से मसल लें और इसके बाद इसमें इमली का पल्प और नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे गाढ़ा करने के लिए चावल के आटे में थोड़ा सा पानी डालकर उसे घोल लें और उसे इस मिक्सचर में डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। जब ये गाढ़ा हो जाए तब इसमें हींग डालकर मिलाएं और सर्व करें। टाटा सॉल्ट खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आज के अपने चेट्टीनाड स्पेशल में स्वागत करता हूं। एक रेसिपी हमने शेफ गणेश द्वारा देखी, बहुत बढ़िया थी, मिर्चों वाली थी, पालक था, गार्लिक था, इतनी बढ़िया रेसिपी चेट्टीनाड की। तो देखते हैं कुछ और चेट्टीनाड का मज़ा, लेकिन रेसिपी आपकी। हमारे पास ये रेसिपी आई है तमिलनाडु से, मालिनी जी ने भेजी है, बहुत बढ़िया रेसिपीज भेजी हैं, एक्चुअली 2 रेसिपीज, एक तो चिकन चेट्टीनाड और दूसरी पाल पनियाराम। मैं आपको बताऊँगा चिकन चेट्टीनाड की रेसिपी, थोड़ा सा इसमें चेंज किया है मैंने क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह से ज़्यादा मज़ा आएगा। खैर देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो चिकन आप लें उसके पीसेस काट लें और इसके बाद इसके लिए हमें एक पेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। चेट्टीनाड जैसा हमने पहली रेसिपी में देखा
मिर्चें थी तो इसमें भी हम मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, लाल मिर्च का। एक पैन में थोड़ा सा तेल ले लें आप, तेल जब गर्म हो जाए तब आप उसके अंदर डालें धनिया, जीरा, वैसे आप चाहें तो इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। इसको तेल में रोस्ट करने का एक और कारण है क्योंकि इसमें हम सूखी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, इन मिर्चों का रंग थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा यदि उसे हम भूनेंगे। इसे भी भून लेते हैं हम, और इसके साथ इसमें हम डालेंगे पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स डालने के बाद, पॉपी सीड्स यानी खसखस, इसमें फ्लेवर वाली चीज़ें गरम मसाला, दालचीनी, छोटी इलायची और एक स्पेशल स्पाइस इसमें हम डालेंगे, स्टार अनीस, फूल चक्री। इसका जो फ्लेवर है काफ़ी मीठा होता है और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये हिंदुस्तान में तो पॉपुलर है ही, चाइनीज़ खाने में भी बहुत डलती है स्टार अनीस। इसको डालेंगे, लौंग और सौंफ, इन सब चीज़ों को भून लेते हैं हम। इसके साथ इसमें डालें लहसुन और अदरक, अब इन सब चीजों को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, अब इसे हम बंद कर देते हैं और अब इसकी हमने पेस्ट बनानी है। कुछ लोग चिकन चेटीनाड जब बनाते हैं तो उसके अंदर नारियल डालते हैं और कुछ लोग बिना नारियल के भी बनाते हैं, आप चाहें तो बिना नारियल के भी इसको बना सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें थोड़ा सा नारियल हम डालेंगे। और जैसे मैंने बताया नारियल इसमें हम डालेंगे, तो ग्रेट किया हुआ नारियल और ये जितने मसाले हमने लिए हैं इन सब चीज़ों को इसके अंदर डाल देते हैं। इसमें पानी डालते हैं और अब इसे पीस लेते हैं। अब ये जो पेस्ट है तैयार हो चुकी है, इसे हम चेक कर लेते हैं। ये जो पेस्ट है एकदम महीन होनी चाहिए। ये हमने पेस्ट की तैयारी कर ली, अब बारी आती है इसको पकाने की। पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ पेस्ट बनाने में समय लगता है। अब एक बर्तन में हम तेल ले लेते हैं, तेल जब गर्म हो जाए तब आप इसके अंदर डालें करी पत्ते। चेट्टीनाड का जो खाना है काफ़ी स्पेशल होता है, चेट्टीनाड के जो लोग होते हैं काफ़ी पावरफुल माने जाते हैं, चेट्टियार जो तमिलनाडु के हैं वो लोग, वैसे तो बिजनेस कम्युनिटी है लेकिन काफ़ी अमीर माने जाते हैं, काफ़ी रिच होते हैं, शायद इसीलिए इनका जो खाना भी है वो भी इतना बढ़िया इतना पावरफुल है। वैसे तो तमिलनाडु के जो खाने हैं वो सारे ही बहुत बढ़िया हैं, लेकिन हर जगह जैसे कुछ चीज़ मशहूर हो जाती है, जैसे पंजाब में अमृतसर के कुलचे मशहूर हो जाते हैं और मथुरा के पेड़े यूपी में, इसी तरह से शायद तमिलनाडु में जो चेट्टीनाड है वहाँ का खाना ज़्यादा बढ़िया मशहूर हो चुका है। प्याज को हमने लाल करना है। इसमें जो चेट्टीनाड का खाना है उसमें काफ़ी तरह के इन्फ्लुएंसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर स्टार अनीस डलती है, वो साउथ ईस्ट एशियन फ्लेवर इसके अंदर है, बर्मीज फ्लेवर है थोड़ा इसके अंदर, यानी वहाँ का जो खाना है काफ़ी एक्सपेरिमेंटल भी कुछ हद तक कह सकते हैं आप, इसीलिए थोड़ी सी रेसिपी मैं भी चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा भी एक्सपेरिमेंट। अब ये जो प्याज है गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये जो टमाटर की मात्रा है ये भी कुछ ज़्यादा है और इसे भी डालकर हमने भूनना है। ये देखिए कितना बढ़िया मसाला इसका बन रहा है, प्याज टमाटर, लेकिन इसमें जो असली टेस्ट आएगा वो आएगा जो पेस्ट हमने बनाई है उससे। वैसे तो जो ये चेट्टीनाड का चिकन बनता है वो काफ़ी ड्राई बनता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जब तक उसको थोड़ा सा लटपटा ना बनाया जाए, उसके साथ में उसकी बॉडी ज़्यादा ना हो तो मज़ा नहीं आता, इसीलिए मैं इसका जो स्टाइल है इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा भूनने के बाद अब इसमें हम थोड़े मसाले डालेंगे, हल्दी, बहुत थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर, वैसे हमने सूखी लाल मिर्च मसाले के अंदर पीसी है, लाल मिर्च पाउडर, अच्छी लाल मिर्च होनी चाहिए, अच्छी का मतलब उसका जो रंग है वो अच्छा लाल होना चाहिए,
और अब इसमें हम ये डालेंगे चिकन के पीसेस और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखिए कितना अच्छा रंग आ रहा है इस चिकन का। इसे हमने भूनना है तेज आंच पर ही। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो रेसिपी है मालिनी जी ने हमें भेजी है, बहुत बढ़िया रेसिपी है। एक्चुअली उन्होंने दो रेसिपी भेजी हैं और दोनों ही बढ़िया। दूसरी जो रेसिपी है, आज तो समय नहीं रहेगा बताने के लिए, लेकिन वादा करता हूँ कि फिर कभी ज़रूर बताऊँगा आपको। थोड़ा सा बता देता हूँ उस रेसिपी के बारे में भी। वो चावल की बनी हुई मीठी चीज़ है, खीर नहीं है। चावल के डम्पलिंग्स बनेंगे और उसको कोकोनट मिल्क के साथ पकाया है। और मिठाई है, मिठाई ऐसी नहीं है कि जिसको आप टुकड़ों में खा सकते हैं, लेकिन इंतज़ार करिए, इस कार्यक्रम में ज़रूर बताऊंगा मैं। इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे नमक। अभी तक नमक नहीं डाला है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये जो हमने सेगमेंट शुरू किया है जिसमें हम आपकी बनी हुई रेसिपीज़ दिखाते हैं, उससे मुझे बहुत फ़ायदा है। थोड़ा सा काम मेरा बढ़ गया है, क्योंकि जो रेसिपीज़ चुनना है उसमें काफ़ी समय जाता है। और इसमें जो लोग रेसिपीज़ हमें भेजते हैं, मैंने कई बार देखा है कि कई सारी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो हमारे कार्यक्रम की पुराने एपिसोड्स की रेसिपीज़ हमें भेज देते हैं, या मेरी बुक्स में से निकाल कर वैसी की वैसी रेसिपी हमें भेज देते हैं। हम चाहते हैं आप अपनी ओरिजिनल रेसिपी हमें भेजें। जो पेस्ट हमने बनाई है उसको डालेंगे। ये जो पेस्ट हमने बनाई थी जिसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं, गरम मसाला है, और गरम मसाले में थोड़े से स्पेशल फ्लेवर्स हैं, जैसे स्टार अनीस है, फेनल है, सौंफ है इसके अंदर। उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब इसमें डालें नींबू का रस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं, आँच धीमी कर दें। करीब 10 मिनट तक इसको इसी तरह से पकने दें और उसके बाद ये जो डिश है पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। हमने ये जो नया सेगमेंट शुरू किया है जिसमें आपके द्वारा भेजी हुई रेसिपीज़ इस शो पे हम दिखाते हैं, उससे मुझे कुछ फ़ायदा भी हुआ है और थोड़ा सा नुकसान भी। मेरा थोड़ा काम बढ़ गया है, लेकिन फ़ायदा सब लोगों का हुआ है कि आपकी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ सारी दुनिया में लोग देख सकते हैं। इसी तरह से हमें रेसिपीज़ लिखते रहें, अपने सुझाव भेजते रहें, बहुत मज़ा आएगा। बढ़िया बढ़िया रेसिपी साथ में पकाएंगे, साथ में खाएंगे। आज के लिए मालिनी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। चिकन चेटीनाड के लिए बोनलेस चिकन के पीसेस आधा किलो, 10 से 12 करी पत्ते, आधा कप बारीक कटा प्याज, 3 टमाटर कटे हुए, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 नींबू का रस, गार्निश करने के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 5 बड़े चम्मच तेल, और पेस्ट के लिए 1 छोटा चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच धनिया, आधा छोटा चम्मच जीरा, 6 से 8 सूखी लाल मिर्चें, 2 छोटे चम्मच खसखस, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 फूल चक्री, 4 छोटी इलायची, 2 लौंग, 2 छोटे चम्मच बारीक कटा लहसुन, आधा छोटा चम्मच बारीक कटा अदरक और आधा कप ग्रेट किया हुआ कोकोनट यानी नारियल। चिकन चेटीनाड बनाने के लिए सबसे पहले आप पेस्ट तैयार कर लें। उसके लिए तेल में धनिया, जीरा और सूखी लाल मिर्चें डालकर भून लें। इसके साथ इसमें खसखस, दालचीनी, छोटी इलायची, फूल चक्री, लौंग और सौंफ डालकर भून लें। इसके बाद इसमें बारीक कटा लहसुन और बारीक कटा अदरक डालकर भूनें और इस मिक्सचर को ग्रेट किए हुए नारियल के साथ डालें और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्सी के अंदर पीस लें और इसकी पेस्ट बना लें। इसके बाद तेल में करी पत्ता डालकर उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर उसे भून लें और उसके बाद उसमें कटे हुए टमाटर डालकर उसे भी अच्छी तरह से भून लें। इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर उसे मिलाएं और इसमें चिकन के पीसेस डालकर उसे तेज आंच पर भून लें। इसके साथ इसमें नमक और भुने मसालों से बनी हुई पेस्ट डालकर उसे कुछ देर तक भुने। अब इसमें 1 नींबू का रस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिलाएं और इसे ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर करीब 10 मिनट तक पकाकर सर्व करें।